TGA ग्लोव, ये क्या है भाई? ओ भाई साहब, ये भी बहुत भारी लग रहा है। और ये है 0 माइल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। इतने स्ट्रगल के बाद फाइनली आ गए हम लोग, क्या बात है। इसको बोलते हैं डायमंड क्रॉसिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटी व्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। सो बेसिकली अभी मैं हूँ नागपुर में, एंड नागपुर में आज धूप बहुत है। इसके लिए सुबह से मैं कहीं पे गया नहीं था, कुछ प्लान्स थे सो वो शाम के टाइम पे पूरे करने हैं। एंड और एक दोस्त है और एक राइडर है बोल सकते हैं यहाँ पे, तो उससे भी मिलना है और उसके साथ फिर रात को नागपुर सिटी में एक्सप्लोर करने वालों। एक अभी शॉर्ट ड्राइव पे निकला हूँ मैं नागपुर घूमने के लिए। यहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ 0 माइल्स देखने के लिए। और मेन मतलब अभी कैसा है, G20 जो समिट चालू था उसकी वजह से हर सिटी में लाइटिंग्स वगैरह किया है, थोड़ा वो भी देखना है, वहाँ पे भी फोटोज रील्स करने हैं। लेट्स सी। हेलो, कैसा है? सो ही शंतनु, इसकी R15 है। एंड अभी हम लोग दोनों जा रहे हैं 0 माइल्स देखने के लिए। उसको रास्ता मालूम है, ही विल लीड। बाय द वे, शंतनु और मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम पे ही हुई। फिर जब मैं इधर आने का सोच रहा था तो मैंने उसको मैसेज किया, क्योंकि कैसा है ना, कहीं पे भी अगर आप जाते हो तो अगर कोई लोकल बंदा आपके साथ हो या फिर जिसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है उस सिटी के बारे में, तो फिर आप टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो। अभी हम लोग आए हैं स्वामी विवेकानंद स्मारक देखने के लिए। ऑन द वे है। स्वामी विवेकानंद जी की ये प्रतिमा अंबाझरी तालाब के किनारे स्थापित की गई है। विवेकानंद जी की ये देश की सबसे ऊंची कांस्य यानी ब्रोंज की बनाई प्रतिमा है। ये प्रतिमा 21 फीट लंबी और इसे 30 फीट के संरचना और आसन पर स्थापित किया गया है। ये पोज और उस तरह की पोशाक से मिलता जुलता है जो विवेकानंद जी ने शिकागो मीट में 1893 के दौरान पहनी थी। और भी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मूर्ति आपको इस दीवार पे दिखेंगी। ये परिसर देखने के लिए मात्र 10 रुपये का टिकट आपको खरीदना पड़ता है। दिन के समय इस स्थान पर पर्यटक के रूप में जाया जा सकता है, लेकिन शाम के समय ये रंगीन रोशनी के साथ कुछ देर वहां बैठ भी सकते हैं। चलो, हम लोग अभी जा रहे हैं 0 माइल्स देखने के लिए और वहां से जाएंगे फुटाला। 10 रुपये के पार्किंग का भी है और 10 रुपये एंट्री का है। TGA ग्लोव, ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? उत्तर द्वार। ओ भाई साहब, ये भी बहुत भारी लग रहा है। ओहो हो, सुंदर। बेसिकली इट्स अ स्मॉल पार्क जो बहुत अच्छे तरीके से बनाया भी है और मेंटेन भी किया है। और ये है 0 माइल
सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। ओके हाँ, द जीरो माइलस्टोन ऑफ नागपुर इज लोकेटेड नियर द गोवरी शाहिद मेमोरियल ऑन द रोड टू रिजर्व बैंक स्क्वेयर इन द सर्वे नंबर 282। द पीरियड ऑफ द कॉलम इज नॉट मेंशनड ऑन इट। हाउएवर देयर इज अनदर स्टोन नियर बाय दैट इंडिकेट द स्टैंडर्ड बेंचमार्क और एलिवेशन अबव सी लेवल एंड द ईयर 1907 इज मेंशनड ऑन इट। इट अपियर देयरफॉर दैट द जीरो माइलस्टोन मे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। द कॉलम इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सैंडस्टोन। द बेस इज सर्क्युलर एंड its diameter is 7.90 meters at top. The circular base is a hexagonal column 6.5 meters in height. The hexagonal is of side 1 meter each. Each face of the hexagon has distance to various places mentioned which are as follows: Kavatha 62 miles towards south, Hyderabad 318 miles towards southeast, Chanda 125 miles, Raipur 174 miles, Jabalpur 170 miles, Seoni 79 miles, Chindwara 83 miles or Baitul 101 miles. आता कुठे जायचं आहे? राईट हे काय? अरे बापरे, खूपच भयानक। कस्तुरचंद पार्क। अच्छा, हा कस्तुरचंद पार्क आहे का? आत मस्त केलाय पण। नाही पण अभी हम लोग जा रहे हैं डायमंड क्रॉसिंग के पास, एक पार्क है वहाँ पे जाने का सोच रहे हैं। मुझे एक्चुअली डायमंड क्रॉसिंग देखना था लेकिन रात को आपको वीडियो में क्या ही दिखेगा। इन केस अगर वहाँ पे कुछ लाइटिंग हो गई तो मैं ज़रूर अंदर जाऊँगा। बट एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा लास्ट टाइम जो भी प्लान फ्लॉप हुआ था, मतलब मैं पिछले महीने में एक बार आया था गाँव तो बीमार हो गया था यहाँ पे आके, और जो प्लान मेरे उस टाइम पे रह गए थे वो सारे इस राइड में पूरे हो रहे हैं। ये नागपुर का स्टेशन है राइट साइड में। ये ब्रिज क्या सही बनाया है। यहाँ पे एक फोटो तो बनता है यार। जाऊन बघाया जाएगा, चल। हाँ एक मिनिट, मला आठवता इथे आहे ते। आता इथेच होत ते। येस, दिसलं हे आहे। वा 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 वा, फायनली ओके। सो दिस इज डायमंड क्रॉसिंग। हाँ म्हणजे हा वेस्ट पडतोय आपला, हा नॉर्थ आहे, हा ईस्ट आणि हे साऊथ आहे। हे कट आहेत, तिथे पण कट्स आहेत। इसको बोलते डायमंड क्रॉसिंग क्योंकि ये देखो ये डायमंड शेप में है। एक ट्रेन इधर से, एक ट्रेन इधर से, एक इधर से, अरे किधर से। इतने स्ट्रगल के बाद फाइनली आ गए हम लोग, क्या बात है। ओके, डायमंड क्रॉसिंग भी हो गया। देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं फुटाला तालाब, फुटाला फाउंटेन। बैटरी कम हो गई है, मालूम नहीं यहाँ से कितना टाइम लगेगा अभी पहुँचने के लिए ओवरऑल। बट मज़ा आ गया यार, जो सोचा था ना सब कुछ हो रहा है इस ट्रिप में अभी। ओके, ये है फुटाला लेक या कह सकते फाउंटेन, लेकिन ये अभी बंद है। लाइटिंग रहता है यहाँ पे, आज बंद है। लेकिन समोर जाए तो समोर जाए,
वीआईपी टिकट पार्किंग, ओके, प्रवेश द्वार, ओ हो, नाइस वन नाइस वन। पीने अच्छे पानी, ये सब मेरे ख्याल से स्पेशल ओकेशन पे ही चालू रहता है। फुटाला तालाब आने के बाद हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो म्यूज़िकल फाउंटेन है वो सिर्फ स्पेशल दिनों पे रहता है। वैसे हम लोगों ने जब ऑनलाइन देखा था इसके बारे में तभी टाइमिंग्स दिए थे 7 बजे से 9 बजे तक, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिखा। हम यहाँ पे जब पहुँचे तो हमारी बाइक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी थी। बहुत से नए लोग आके मिल रहे थे, फ़ोटोज़ खींच रहे थे बाइक्स के साथ, और वो देख के या लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम लोग भी थोड़ी देर वहाँ पे रुके और वहाँ से निकल पड़े। ये वीडियो मैं अभी यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।